कंडेंसेशन और बेंजोइक कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है? तो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल है, बेंजोइक कंडेंसेशन में क्या करेंगे? बेंज एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल। वहां था एसिड एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल, यहां पर बेंज एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्शन उसी तरीके से चलेगी। देखो क्या ले रहे हम लोग, C6H5CHO, ठीक है, प्लस C6H5CHO। रिएक्शन होगी यहां पर पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, वहां थी NaOH की प्रेजेंस में या पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, इतना सा ध्यान रखना। ठीक, क्या होगा उसकी तरफ चलते हैं। ध्यान रखना वहां पे क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन इस ग्रुप में से निकला था, यहां पर हाइड्रोजन इस ग्रुप में से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा इस ग्रुप में से। यदि हाइड्रोजन इधर चला गया तो यहां क्या बचेगा? CO बचेगा। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं C6H5COHHCO6H, क्या लिखा? C6H5CH, क्लियर, O और H, फिर यहां क्या बचा? CO, फिर से C6H। इसको कहा जाता है बेंजाइन। तो इसमें लिख सकते हैं कि when two molecule of benz aldehyde react in presence of potassium cyanide to give a benzyne। अब चलते हैं इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म यानी इसकी क्रियाविधि क्या होगा? पहले स्टेप हम लोग जानते हैं, सबसे पहले कैटलिस्ट को ब्रेक कर दो, A पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? बेंजोइक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उठा लिया, उठा लेते हैं C6H5C(OH), इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो? Cl- यानी कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर दो। देखो क्या हो सकता है, Cl नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। ये डबल बॉन्ड के कहां चला गया? ऑक्सीजन के पास। देखो क्या हो सकता है, C6H5 यहां पर C, यहां पर O के पास माइनस चार्ज, ये तो लोन पे, यहां पर H को नया ग्रुप क्या आ गया? Cl आ गया। चलो आगे, अब आगे क्या हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकला? H बाहर निकला, तो माइनस क्या हो गया? H प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया? यहां से बाहर निकल गया। अब हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो क्या हो गया? कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? चलो इसको ये समझा देता हूं। देखो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहां से निकला, ठीक, जा रहा है तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को ये छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के जा रहा है कार्बन पे। एच गया, एच किसके पास चला गया? ओ के पास। तो C6+H+। देखो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो, एक बार निकला और एक बार जुड़ा, क्या है? C6H5 सी ओ एच, और यहां पे क्या गया? कौन सा चार्ज आएगा? तो ये तो हमारा एक ही मॉलिक्यूल चल रहा है, दूसरा हमने हाथ नहीं लगाया। अब चलते हैं दूसरा मॉलिक्यूल के पास, C6H5C(OH+), क्या लिखा है यहां पे? C6H5C, ठीक है, OH, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और C। ध्यान रखना जब भी नेगेटिव चार्ज लिखो उसके साथ में लोन पेयर अवश्य लगा, ठीक है। चलो अब क्या करना आगे, इसकी रिएक्शन क्या होगी उसको समझ लेते हैं। ये अटैक करेगा कहां पे? इस कार्बन पे, ठीक होगा, कराओ रिएक्शन। करो रिएक्शन, क्या हुआ फिर देखते हैं। इस लोन पेयर का अटैक हुआ कार्बन पे, कैसे लिखे? C6H5C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहां पे H, तो ये बॉन्ड कहां चला जाएगा? वापस ऑक्सीजन के पास विद लोन पेयर। क्या ग्रुप आ गया? C, C के पास क्या है? OH, Cl और C6H, ठीक है यहां तक। चलो अब क्या हुआ,
सी एल बाहर निकलेगा क्योंकि डिस्क तो ये देखना बात ठीक है। ये एच इधर गया, ये बॉन्ड यहां जाए, या तो इसको ऐसे करो या फिर इधर जूम कर पाओगे। ये लोन पेयर कन्वर्ट हुआ बॉन्ड पेयर, ठीक है यहां तक क्लियर है। यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा इसका, या तो ऐसा कर सकते तो देखो क्या हुआ समझ लो। C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर C यहां पर क्या था पहले ही OH, यहां पर CN की जगह क्या गया H C6, ये हो गया सेम है क्या ये बन गया बेंजोइन। इसको कहा जाता है बेंजोइन संघनन रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म, अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि इसके अंदर दी हुई है।